हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ पोएम ओलंपिक ग्रेनी। ओलंपिक ग्रेनी, लेट अस स्टार्ट। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय केन नेस्मिथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन अबाउट ग्रैंड मा, नहीं ग्रैंड मदर के बारे में लिखी गई है, ठीक ना। She is 99 years old and she uses the wheelchair and walker. Even she is so fond of every type of sports that she wants to play every sport. But there is a problem that she is the best in every sport. She could not decide that which sports she should play. तो चले चलते हैं बेटा हम इस पोएम के बारे में। मतलब कह रहा है वो कवि की वो इतनी ज़्यादा जो एक्सपर्टीज सारे स्पोर्ट्स में कि वो तय नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलें, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, लेट अस स्टार्ट आवर पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन ग्रैंडमा गोज फॉर गोल्ड, हाँ व्हेन ग्रैंडमा गोज फॉर गोल्ड इन द ओलंपिक गेम्स दिस ईयर। कभी कह रहा बेटा इस साल जब ओलंपिक गेम में दादी जी गोल्ड के लिए जाएंगी, हैं फॉर गोल्ड इन, यानी गोल्ड मेडल जीतने के लिए जब दादी जी इस बार स्पोर्ट में जाएंगी, ओलंपिक गेम्स में जाएंगी, तो क्या करेंगे वो। सी विल लॉफ एट हर कंपटीटर्स, वो अपने प्रतिद्वंदियों पर हंसेंगी, एंड मेक देम क्वेक विथ फियर, और अपनी उस हंसी से अपने जोश से उन सबको वो डरा के रख देंगे, उन्हें कपकपी लग जाएगी, डर के मारे कांपने लगेंगे कि उन्हें लगेगा दैट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू फेस हर, उन्हें लगेगा कि इनका सामना करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, सी इज 99 ईयर्स ओल्ड, दादी जी 99 साल की हैं, बट इन एथलेटिक्स सी हैज़ बीन ब्लेस्ड। लेकिन यदि आप एथलेटिक्स की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसा सी हैज बीन ब्लेस्ड बाय गॉड, उन्हें भगवान से जो है ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि दैट सी इज बेस्ट इन एथलेटिक्स, कि एथलेटिक्स में वो बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छी हैं, सर्वोत्तम है, उन्हें भगवान से ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है, ठीक है। द ट्रबल इज, परेशानी क्या उनके सामने, द ट्रबल इज सी कैन नॉट डिसाइड विच स्पोर्ट्स सी प्लेज द बेस्ट। दादी जी के सामने परेशानी इस बात की है कि वो इस बात को तय नहीं कर पा रही हैं कि किस स्पोर्ट को अच्छा खेल सकती हैं। मतलब शी कुड प्ले एवरी स्पोर्ट इन द बेस्ट वे, किसी भी स्पोर्ट को बहुत अच्छी तरह से खेल सकती थी, ठीक है। चलिए चलते बेटा थर्ड स्टेंजा, हाँ बेटा एक चीज़ कहना है आपसे कि आप अपने पेज नंबर 10 पे देख लीजिए, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके फिगर दिए हुए हैं, समझना, जैसे कैनो है, कैनो है, टम्स है, और बीएमएक्स है, इस टाइप के जो स्पोर्ट्स हैं वो पीछे फिगर दिया हुआ है, उन्हें आप देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं बेटा अपना थर्ड स्टेंजा, सी इज सच एन एस एट आर्चरी, सी इज सच एन एस एट आर्चरी, मतलब आर्चरी धनुर्विद्या में यानी तीरंदाजी में वो बहुत एक्सपर्ट है, दी बेस्ट है। सी इज क्वीन ऑफ कैनो, कैनो इट इज अ स्पोर्ट जस्ट लाइक बोटिंग, बोट रेसिंग, मतलब बोट रेसिंग में वो क्या है, सी इज क्वीन ऑफ द कैनो, बोट रेसिंग तो जैसे वो रानी है, नो वन कैन डिफीट हर, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, ठीक है। सी इज टफ टू टॉप एट टाइक्वांडो, और टाइक्वांडो में सी इज टफ टू टॉप, यानी जो टॉपर है टाइक्वांडो में वो भी उनको हरा नहीं सकता है, यही दी बेस्ट है। एंड टेबल टेनिस टू, और टेबल टेनिस की बात है तो इसमें भी ये दी बेस्ट है, इसमें भी इनको कोई नहीं हरा सकता है। सी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड, सी डोमिनेट्स यानी वो हावी हो जाती हैं द डाइविंग बोर्ड, डाइविंग बोर्ड के स्पोर्ट में वो अपने प्रतिद्वंदी पर जो है हावी हो जाती हैं। सी ट्रम्स द टेम्पलिन, और
शी ट्रम्स, टम्स का मतलब बेटा सी जम्प्स हाई बियली, वह बहुत ऊंची कूद लगाती हैं, ठीक ना। दैट टेम्पोलिन, टेम्पोलिन बेटा आप देख लें पीछे, जो टेम्पोलिन का स्पोर्ट है उसमें बहुत हाई जंप लगाती हैं दादी जी। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग, वेट्स उठाने की बात हो है, वेट लिफ्टिंग की बात हो तो उसमें कोई उन्हें नहीं हरा सकता है, एंड रेसलिंग और पहलवानी में कुश्ती में भी उनको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है। सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन, और आपने इनसे अच्छा किसी को भी खेलते हुए इसके पहले नहीं देखा होगा, मतलब यदि आप इनको खेलते हुए देख लेंगे तो आपको लगेगा सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन, जिनको भी पहले आपने देखा ये खेल खेलते हुए उन सबसे ये ज़्यादा प्रभावशाली आपको लगेंगी। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेंजा, से स्प्रेड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल को क्रॉस करने की बात हो तो से स्प्रेड्स बहुत तेज़ी से वो स्पीडिंग वे में उस स्विमिंग पूल को क्रॉस कर देती हैं। टू स्लेक द समर हीट, और ऐसा लगता है इतनी तेज़ी से वो चलती हैं, स्विमिंग पूल को पार करती हैं, जैसे लगता है कि टू स्लेक, टू स्लेक का मतलब बेटा टू सेटिस्फाइड हर ओन थर्स्ट, जैसे लगता है कि वो अपनी खुद की प्यास बुझा रही हैं उसे क्रॉस करके। टू स्लेक द समर हीट, लगता है जैसे कि गर्मी को हराते हुए वो अपनी प्यास बुझाते हुए उस स्विमिंग पूल को जो है तेजी से क्रॉस कर रही है, ठीक ना। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक, BMX बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ साइकिलिंग, देख लीजिए पीछे फिगर में, यदि BMX रेसिंग हो या माउंटेन बाइक की रेसिंग हो उसमें भी ये दी बेस्ट हैं, सी सिंपली कैन नॉट बी बीट, और उनको कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता है, मतलब सी इज सो बेस्ट, इतनी अच्छी हैं वो कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा बेटा, सी इज हाइएस्ट इन द हाई जंप, और हाई जंप की बात लें तो वो जो है सबसे ऊंची छलांग लगाती हैं, एंड ए चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, और हैमर थ्रोइंग की बात हो तो वो तो चैम्पियन है भाई हैमर थ्रोइंग में। हैमर थ्रोइंग बेटा इसका फिगर नहीं दिया है, हैमर थ्रोइंग का मतलब जो है इट इज अ काइंड ऑफ आयरन बॉल, मतलब लोहे का गोला होता है ठीक ना, उसे जो है फेंका जाता है तो उसकी वो चैंपियन है। मैग्निफिकेंट इन मैराथन्स, और मैराथन की बात हो, दौड़ की बात हो, रेस की बात हो तो वो तो भाई बहुत ही अच्छी हैं, उसमें कहना ही क्या है। रिमार्केबल एट रोविंग, और बोट रेसिंग में भी ठीक ना वो बहुत अच्छी हैं, उन्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला स्टेंजा, सी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, सी बीट बीट्स वो बीट कर देती हैं, हरा देती हैं किसको, द बेस्ट इन बॉक्सिंग, यानी बॉक्सिंग में जो बहुत बेस्ट माना जाता है जो भी प्लेयर एथलीट उसकी भी उसको भी वो हरा देती हैं, मतलब इतनी अच्छी हैं वो, ठीक ना। एट द पोल वॉल्ट सी इज पियरलेस, और पोल वॉल्ट की बात है, पोल वॉल्ट बेटा देखिए उसमें आपके फिगर में दिया हुआ है, इस गेम में सी इज पियरलेस, मतलब पियरलेस का मतलब क्या, मैचलेस, डियर देयर इज नो वन हु कैन फेस अप, ये तो अद्वितीय है ठीक ना। पोल वॉल्ट के स्पोर्ट में दादी जी पियरलेस हैं, अद्वितीय, इनके जैसा कोई नहीं है। हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, और फेंसिंग स्पोर्ट में देखिए फिगर दिया हुआ, फेंसिंग स्पोर्ट में तो ये जो है फाइनेस्ट सबसे अच्छी है। सी इज पॉजिटिवली फियरलेस, और उनको जो है किसी भी बात का डर नहीं है, सी इज पॉजिटिवली फियरलेस, और निश्चित रूप से वो एकदम निर्भीक हैं ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, सी इज मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल की बात करें तो भाई इसमें मास्टर हैं वो, बहुत अच्छी हैं। सी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, और कोर्ट के यानी कि उस स्पोर्ट के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन रूल्स को जो है वो फॉलो करें उसके बाद जीती, नहीं, सारे रूल्स को जो है कायदे से वो फॉलो करती हुई स्पोर्ट खेलती हैं, इसके बाद भी वो जीतती हैं। एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट, और सचमुच में कोई भी स्पोर्ट हो उसमें वो सच में इनक्रेडिबल है भाई, अमेजिंग है वो, बहुत सी इज सो वंडरफुल, बहुत ही अच्छी हैं।
ठीक है चलिए बेटा, नाउ इट इज़ अवर लास्ट स्टेंजा, बट वॉट वी फाइंड एस्टोनिशिंग, लेकिन जो सबसे अद्भुत बात है, जो वंडरफुल थिंग है उनके बारे में, वट इज दैट एंड समथिंग ऑफ ए शॉकर, ऐसी कोई बात जो हमें शॉक कर दे, हम जिसको सोच करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाए, वो क्या बेटा, इज हाउ सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट, वो सारे के सारे कॉन्टेस्ट को कैसे जीत जाती हैं भाई, विद हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर, अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई और वो अपने वॉकर के सहारे ही वो सारे के सारे स्पोर्ट्स को कैसे जीत जाती हैं, सबसे बड़ी एस्टोनिशिंग वंडरफुल थिंग ये है। नाउ इट इज फिनिश्ड योर पोएम, दैट्स ऑल, थैंक यू।